नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। रानी पद्मिनी ने जहां जौहर किया था, वहां सरकार ने अब गार्डन बना दिया है। राजस्थान अपने शासन के साथ साथ अपनी शूरवीरता के लिए भी प्रसिद्ध है। शूरवीरों की धरती पर रजवाड़ों की एक रियासत ऐसी भी है जो जौहर के लिए प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं चित्तौड़ की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल किला है। यह किला इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का भी गवाह रहा है। जब यहाँ रावल रतन सिंह जी का राज था, तभी यहाँ पहला जौहर हुआ था। जहाँ यह जौहर हुआ था, उस जगह पर अब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने गार्डन का रूप दे दिया है। यहाँ पहले 30 से 40 फुट गहरा कुंड होता था, जो कि जौहर कुंड कहलाता था। यह वही जौहर कुंड है जहाँ इतिहास में 3 बार जौहर किया गया था। पहला जौहर रानी पद्मिनी, दूसरा जौहर रानी कर्णावती और तीसरा जौहर फूल कंवर के नेतृत्व में किया गया था। यहाँ अकबर के शासनकाल में 8000 सैनिकों की विधवाओं ने भी जौहर किया था। सन 1303 अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जब खिलजी का मन रानी पद्मिनी को हासिल करने का हुआ, तो खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, जिसमें राजा रावल रतन सिंह और उनके कई सैनिक मारे गए। जब यह समाचार रानी पद्मिनी को मिला, तो रानी पद्मिनी ने युद्ध में मारे गए सैनिकों के विधवाओं के साथ कुल 16,000 महिलाओं का नेतृत्व करते हुए जौहर किया। यह चित्तौड़ का पहला जौहर था। दूसरा जौहर राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में सन 1535 ईस्वी में किया गया था। उस समय गुजरात के शासक बहादुर शाह थे। सन 1526 में चित्तौड़ के महाराणा सांगा, जिन्होंने पानीपत के मैदान में खांडवा का युद्ध लड़ा था, बुरी तरह से घायल हो गए थे। उस युद्ध में उनका एक हाथ, एक पैर और एक आंख चले गए थे और 80 घाव उनके शरीर पर थे। 1535 में जब बहादुर शाह ने बड़ा हमला किया, तो उस वक्त बाबर से लड़ते हुए सांगा की सेनाएं कम हो गई थी। तब रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर अपना भाई बनाया था और यहाँ मदद के लिए बुलाया, मगर जब तक हुमायूं यहाँ आया, देर हो चुकी थी। राणा सांगा सहित कई सैनिक युद्ध में मारे गए। रानी कर्णावती ने 13,000 औरतों के साथ यहीं इसी कुंड में लकड़ियां डालकर 8 मार्च 1535 ईस्वी को जौहर किया। चित्तौड़गढ़ में एक बार फिर से जौहर का इतिहास दोहराया गया। तीसरा जौहर अकबर के समय किया गया। अकबर का सपना था कि पूरे हिंदुस्तान पर राज करना। यहाँ आसपास के कुछ राज्य जो कि युद्ध नहीं चाहते थे, उन्होंने तो अकबर से संधि कर ली और कुछ राज्य युद्ध हार गए। जब अकबर ने राणा उदय सिंह के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, तो राणा उदय सिंह ने यह कहकर ठुकरा दिया कि हम राजपूत हैं, लड़ मरेंगे पर किसी के आगे गुलामी नहीं करेंगे। अकबर ने हमला कर मेवाड़ के छोटे छोटे राज्यों को अपने कब्जे में किया। इस वक्त उदय सिंह के पास केवल 8,000 सैनिक ही बचे थे, तो राणा के सेनापति पत्ता सिसोदिया बोले कि हम अकबर के 1,80,000 सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकते और राज परिवार भी खत्म हो जाएगा। सेनापति की सलाह पर उदय सिंह अपने बेटे महाराणा प्रताप को लेकर अरावली की पहाड़ियों पर चले गए। अकबर के आक्रमण के बाद किले पर विजय का समाचार जब उदय सिंह को मिला, तो वह यहाँ लौट कर नहीं आए। 25 फरवरी 1568 में पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर ने और युद्ध में मारे गए सैनिकों की 8,000 विधवाओं ने जौहर किया। एक बार फिर इतिहास दोहराया गया। बाद में उदय सिंह ने उदयपुर बसाया और चित्तौड़ का किला फिर कभी आबाद नहीं हुआ। अब यहाँ जौहर कुंड की जगह हवन कुंड और गार्डन बना दिया गया है। होली की एकादशी पर हर साल यहाँ जौहर मेला होता है। इस मेले में बहुत दूर दूर से राजपूत भाग लेने आते हैं। मेवाड़ के वंशज जो अभी भी हैं, अरविंद सिंह, मेवाड़ महाराणा महेंद्र सिंह जो उदयपुर के सिटी पैलेस में रहते हैं, पूरे राज परिवार के साथ आकर हवन कुंड में यज्ञ कर रानी पद्मिनी, रानी कर्णावती और सेनापति पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर और दासियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह थी चित्तौड़ के बारे में जानकारी। ऐसी ही और जानकारी लेकर आपके फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।